आसन का विशेष महत्व। आसन के बिना पूरी नहीं होती कोई पूजा। तो आइए इस बार ले संकल्प, होलिका को हम जरूर देंगे ईंट और मिट्टी का आसन। सड़क बचाएं, दुर्घटनाओं से बचें। जेएमडी न्यूज की जागरूकता मुहिम। आतंकवाद भारत के लिए एक नाक में दम कर देने वाला विषय हो गया है। अभी हाल ही में पुलवामा का हमला हम भूले नहीं थे कि उसी के चलते आतंकवादी मसूद अजहर के नाम के आगे जी लगाने का विषय आ गया। फिर दिग्विजय सिंह की पुराने बयान सामने आ गए जिसपे उन्होंने मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के नाम के बाद में साहब का संबोधन किया था। फिर उसके बाद अभी हाल ही में भाजपा के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने नेहरू जी को 1955 पे लिखे गए पत्र के अनुसार आड़े हाथों लिया है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी ना घोषित हो पाने की खिसियाहट उन्होंने अपने पंडित पूर्व जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी के ऊपर निकालने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। आज देश के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अखबार भी इसी की पुष्टि कर रहे हैं कि जेटली जी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आरोप डाला जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा। हम इस समय नवीन मार्केट कानपुर स्थित नवीन मार्केट पे हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं, आइए हम जानते हैं कि उनका इस विषय पे क्या कहना है। जो ये पत्र व्यवहार है इस पे आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? चुनावी सरगर्मी जी, ये चुनावी सरगर्मी है भाई। कोई चीज तुम इतने साल से हिंदुस्तान में रहते हो और तुम्हें नहीं पता था, आज चुनावी समर में कैसे पता चल गया कि जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया? आतंकवाद खत्म करने का ठेका सिर्फ आप ही के पास नहीं है, हिंदुस्तान का हर पॉलिटिशियन इसकी मुखालफत करता है और हर शहरी जो भी यहाँ रहता है वो इसके खिलाफ है। लेकिन अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए हमारे जो पुराने लीडरों पूर्वजों को तुम उल्टी सीधी बात करोगे, ये तो गलत बात है भाई। ये तो गलत बात है कि आप हमारे पुराने नेताओं के ऊपर आरोप लगाएंगे जिनसे भारत का संविधान था। ये भाजपा जो चुनाव मुद्दा उठा के आतंकवाद 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 जब तुम चार साल में नहीं खत्म कर पाए, पांचवा चल रहा है, तब आप जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनके ऊपर क्यों ऐसा जो आप लोग डाल रहे हैं? जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनके ऊपर आप क्यों डाल रहे हैं? ना कोई पता लगा पाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी तो स्वर्ग सधार गए, आप क्या कहेंगे इस पे? हम यही कहेंगे भाई, इस वक्त हमारे देश में आपस में एका होना चाहिए कि और नफरत फैलाई जा रही है चुनाव के समय क्यों हो रहा है ऐसा? वही हम हाँ, मतलब ये तो आपस में मोहब्बत और इस वक्त नफरत पूरी फैल रही है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन सब चीजों आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? भाई हम लोगों को आपस में मतलब इतना इत्तफाकी पड़ रही है और आपस में मोहब्बत पड़ना चाहिए, इससे और नफरत हो रही है। तो आपने देखा नवीन मार्केट में किस तरीके से उहापोह की स्थिति है। आइए चलते हैं और आगे व्यापारियों की राय, अपने वरिष्ठ पत्रकारों की राय लेते हैं और इस पूरे विषय में क्या है उनकी राय जानते हैं। चुनाव आया, सरगर्मी लाया। हमारे साथ कानपुर प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकार महामंत्री कुशाग्र पांडे साहब हैं, कुशाग्र पांडे जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये पूरे इस मसले को किस तरीके से देखते हैं। कुशाग्र जी, आप इस पूरे मसले को किस तरीके से, क्या दृष्टिकोण दे रहे हैं? देखिए, आपने खुद ही बोला चुनाव आया। दूसरा, जेटली जी ने जो कहा कि नेहरू जी की गलती है, नेहरू जी की गलती है, ये जेटली जी उस समय कितने बड़े होंगे, राजनीति कितनी कर रहे होंगे, तब का मतलब दुनिया में क्या चल रहा था, राजनीति किस तरह का प्रेशर था, ये अभी तो पता नहीं चल सकता। तो नेहरू जी की भी हो सकता गलती हो, लेकिन मेरे अधिकार इस समय मोदी जी जिनको इतनी सीटें मिली जितनी कभी किसी को नहीं मिली, इतना पूर्ण बहुमत में आए हैं, इतने ताकतवर और प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद ये चीन पे दबाव नहीं बना पाए, तो ये इनकी विफलता है। बहरहाल आतंकवाद में सबको एकजुट होना चाहिए और एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं होता और जहाँ तक दबाव नहीं बना पाए तो ये
विफलता है, आगे चल के दबाव बनाया जा सकता है, फिर से प्रयास किया जाएगा। कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व अध्यक्ष और कानपुर प्रेस क्लब के वर्तमान में संरक्षक श्री सरस वाजपेयी जी के साथ इस समय हम मौजूद हैं और जान रहे हैं, उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पे कोई बालक भी होगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बालक भी होगा तो खून खौलने लगेगा। अपने देश की मिट्टी के प्रति जैसे हर कोई उजागर होता है, उसका रुझान होता है, वैसे ही आतंकवाद भारत पे जिस तरीके से नाक में दम किए हुए हैं, हम पत्रकारों के गलियारे से संरक्षक जी से क्या विचारधारा है उनकी, जो 1955 में एक अनौपचारिक अमेरिका और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच में संदर्भ हुआ था, व्याख्यान हुआ था, उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर उस समय वो टाई अप हो चुका होता, एमलगमेशन हो चुका होता, एक साझा बातचीत हो चुकी होती तो उसका असर आज क्या दिखता, या अब उस बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले पे हमें चर्चा करनी चाहिए। जो 1955 में एक पत्र व्यवहार हुआ अनौपचारिक, जिसमें नेहरू जी ने हर मुख्यमंत्री को लिख करके ये सूचित किया कि चीन चूंकि एक बड़ा देश है और उसके साथ हमें इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम संयुक्त राष्ट्र से तो उसको जोड़ दें लेकिन सुरक्षा परिषद से अलग रखें। वहीं वर्तमान में आज 2019 में जेटली जी ने ये कह दिया कि अगर उस समय इस चीज की उद्घोषणा हो गई होती तो आज हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर देते, उस पर मोहर लगा देते, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पे हाफिज शहीद अजहर मसूद जैसे लोगों पे हम बिल्ला लगा देते। तो आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हर समय की स्थितियां अलग होती हैं। अगर ये कहा जाए कि 1955 में जो समझौता हुआ और सुरक्षा परिषद का सदस्य चीन को बनाया गया, आप समझिए कि 50 में हमारा संविधान बना है, उस समय भारत की स्थिति क्या रही होगी उसका आकलन तो किसी को नहीं है। उस समय हो सकता है ये स्थितियां हो कि नहीं, चीन को अपने साथ सुरक्षा परिषद में शामिल करने से हो सकता विश्व में शांति की संभावना ज्यादा हो सकता व्यापार की संभावना ज्यादा हो, लेकिन 1955 में जो निर्णय हुआ उसका उलाना 2019 में देना ये कहीं से समझदारी नहीं है। हम तो इसकी भी आलोचना करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हाफिज सईद को भाजपा सरकार ने वहाँ पे जाके छोड़ा, भाजपा के सरकार रहते तो हो सकता कि जिस समय हाफिज सईद को छोड़ा गया है उस समय भारत की स्थितियाँ दूसरी हों, तब उस समय के लिए वो जरूरी हो, केंद्र में सरकार थी, तमाम सहयोगी दलों का उसको साथ था, स्थितियां उस समय ऐसी रही होंगी। जब कंधार अपहरण कांड हुआ है तो हमें याद है कि उस समय जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे कि कैसे भी यात्रियों को और इनको मुक्त कराया जाए, तो तब की स्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। लेकिन उन स्थितियों को लेके अगर आज सवाल किया जा रहा है कि भाजपा ने आपस से इसको छोड़ा जाके, तो उसके जवाब में आप ये सवाल करें कि नेहरू जी के कारण चीन की समस्या है, तो नेहरू जी का समय था, अपनी भी भारत में समय समय पे सब कुछ बदलता रहता है। 5 साल से चीन के साथ हमारे संबंध चल रहे थे, चीन के राष्ट्रपति यहाँ आते थे, गुजरात जाते थे, दिल्ली जाते थे, अनौपचारिक तमाम बैठकें होती थी, तो तब की स्थितियों को आप देखें तो अगर नेहरू जी ने किया था तो आपको संबंध नहीं बढ़ाने चाहिए थे और आप संबंध बने, और एक मामले में अगर चीन आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ वो वास्तव में ऐसा मामला है जिससे पूरा देश उबाल पे है, हर युवा का खून उबाल पे है, हर बुजुर्ग का खून उबाल पे है उसके, लेकिन उसको ये नहीं जोड़ना चाहिए कि नेहरू जी के कारण ये समस्या है, क्योंकि तब की स्थितियां क्या थी इसका अंदाजा ना तो अरुण जेटली जी को होगा ना आज जो पीढ़ी है उसको होगा कि तब की स्थितियां क्या थी। तो इसको नेहरू जी से जोड़ना तो सीधे सीधे ये माना जाए कि आप चुनाव में दूसरे दलों को गठगदे में खड़ा करने के लिए आप इसको नेहरू जी से जोड़ रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, प्रेस क्लब के संरक्षक। सीधे तौर पर यही कहना है कि बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, पूरे भारत वर्ष का होता है। उस समय की परिस्थिति क्या थी उस हिसाब से डिसीजन लिया गया, आज की स्थिति क्या है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। 1955 की बखिया उधेड़ने की बजाय बीती ताई बिसारनी है और आगे की सुध
लेनी है। कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी के साथ मैं राहुल मिश्रा, कैमरा पर जेएमडी न्यूज कानपुर। नवीन मार्केट स्थित कोहली जनरल स्टोर पे हम हैं। यहाँ पे अच्छी खासी चहलकदमी, लोगों का आवागमन होता है, ऐसे में ये यहाँ पे व्यापारी नेता भी हैं कोहली जनरल स्टोर के मालिक। हम इनसे इस पूरे विषय में राय लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र से तो जोड़ना है लेकिन सुरक्षा परिषद से अलग रखना है भारत को। जो इतना बड़ा इस समय मिस हैपनिंग हुई है हमारे देश के अंदर, इसको देखते हुए कोई भी राजनीतिक चर्चा पे तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा बोल पाऊँगा, लेकिन अपने दिल की बात और लोगों की बात अगर कहूँ तो ये मुझे लगता है कि उस समय नेहरू जी ने अगर नहीं लिया तो वो एक गलत कदम रहा। अगर आज वो हमारे पास वीटो पावर होती तो हम उसको डिक्लेयर कर पाते कि वो एक आतंकवादी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस समय भारत की दिशा, भारत की दशा, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के पास क्या क्या मूलभूत सुविधाएं थीं और क्या क्या नहीं थीं, इसके चलते हो सकता है कि जिम्मेदार कुर्सी में बैठने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिसीजन लिया हो। आज भाजपा जब 4-5 साल लगभग कुर्सी में बैठे हो गए हैं, चुनाव आ गया है, इस समय वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा रहे हैं जो आज है नहीं। देखिए, बहुत ही गणमान्य देश के नेता रहे हैं पंडित जवाहरलाल जी, और आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जेटली साहब एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और साफ छवि के नेता हैं। तो अगर कोई भी एक डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है तो उसको आज की स्थिति को देखते हुए एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, और अगर आतंकवाद है तो उसको घोषित करना चाहिए, मेरी ये राय रहती है। मेरे पिताजी ने अगर आज ये कर दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ होता। इससे बेहतर है कि हम ये सोचें कि आज मेरे पास जो है हमें उससे ही तिनके से ही पूरा आशियाना खड़ा कर लेना है, क्योंकि जल गया सब कुछ, राख हो गया सब कुछ, लेकिन हम जीवित हैं, चलो फिर से बना लें। नवीन मार्केट व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष SD चाट पैलेस के मालिक यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी इसी विषय पे राय लेते हैं। बताएं भैया, क्या कहेंगे पूरे विषय पे? विषय बताया आप मुझे जी, जो 1955 में करार हुआ था एक अनौपचारिक जी, तो जो आतंकवाद को हम लोग नहीं दे पा रहे हैं किताब जी, शहीद को, तो उस पर क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका पे बातचीत नहीं, उस समय जवाहरलाल नेहरू को ये बात मान लेनी चाहिए थी। अच्छा। उन्होंने ना मान के बहुत बड़ी गलती करी। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? हमको उसको देखना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए जी। और शाहिद अफीद जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। देखिए, आप भी व्यापारी नेता हैं और आप भी इस चीज़ को समझते हैं। उस समय भारत की दिशा, दशा, अर्थव्यवस्था, भारत किस कंडीशन में था, भारत की पूरी ताकत क्या थी, एग्रीकल्चर किस हिसाब से था, स्टूडेंट्स किस हिसाब से थे, उनके पास वैज्ञानिक किस हिसाब से थे, ऐसे में उनको चीन से क्या मदद मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, उस घड़ी को देखते हुए और आज की घड़ी को देखते हुए चुनाव का माहौल आ गया है, ऐसे में जेटली जी ने 1955 की बात आज उखाड़ ली गड़े मुर्दे, ये क्या कहेंगे आप? नहीं, चुनाव आया जी और मौसम सरगर्मी लेके आया। नहीं नहीं, वो तो चीज़ ठीक है, वो हमेशा होता चला आया है, उसकी कोई बात नहीं है, मगर मेन चीज़ ये है कि पहले से हम काफ़ी शक्तिशाली हो चुके हैं। पहले से अब तक जो साल हमारे गुजर चुके हैं उन 4 सालों में, इस समय जो देखते हुए हम काफ़ी शक्तिशाली हो चुके हैं। हमें थोड़ा दिक्कतें आई हैं, जैसे GST नोटबंदी आई, मगर और दिक्कतें हम झेलने के लिए तैयार हैं। व्यापारी लोग हैं हम लोग, हम और दिक्कतें झेलने के लिए तैयार हैं, मगर और चीज़ें जो हमारे सामने आई है, हम वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी पोजिशन पर आए, भारत आया है, हमारा देश आया है, तो हम उसके लिए थोड़ी और दिक्कतें झेलेंगे। अगर थोड़ी दिक्कतें और झेलेंगे तो काफ़ी हद तक हम और आगे जा सकते हैं। अभी हम तीसरे चौथे नंबर पे हम लोग, तो हम एक नंबर पे भी आ सकते हैं, 2 नंबर पे भी आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपके हिसाब से गड़बड़ रहा। हाँ, वो समय का गड़बड़ रहा है, वो समस्याएं जितनी थी, आज आतंकवाद का मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है, तब उस समय होता था कि हम फलाने से बात करेंगे, उस देश से बात करेंगे, उस देश से हम क्यों जाएँ, अपनी ताकत अपने आप में इतनी। हाँ, तो सही होता, हाँ, घोषित हो जाता, बिल्कुल घोषित हो जाता। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी नेता। अपने कैमरामैन से हम निवेदन करेंगे कि आओ भैया आगे बढ़ते हैं और कवरेज लेते हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापार का गढ़ कानपुर स्थित लाटूश रोड व्यापार मंडी, जो व्यापार की एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, यहाँ से भारत का
भारत को अच्छा खासा राजस्व व्यापारियों द्वारा दिया जाता है। न जाने कितने राजनेता नेता क्षेत्रीय नेता यहाँ से निकल गए। हम इस समय हैं साई जी शाफ्टीन वर्कशॉप पे, आइए जानते हैं यहाँ के व्यापारी युवा व्यापारी हैं जागृत जी, इनका क्या कहना है। सर जागृत जी, 1955 में जो भारत और अमेरिका का अनौपचारिक करार नहीं हो पाया, उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं कि अगर उस समय संयुक्त राष्ट्र संयुक्त परिषद में उसको जोड़ लिया जाता तो किस तरीके से आज आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, इनको नाम दे दिया जाता आतंक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों पे, तो उस समय जो नहीं हो पाया आज इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप। उसका ही भुगतान आज हो रहा है, जो गलतियां पहले हुई हैं उसी का भुगतान आज हो रहा है। अगर उस समय ये डिसीजन ले लिया जाता तो आज कम से कम कोई वीटो पावर यूज करने की स्थिति में ना होता, और वीटो पावर आदमी तभी यूज करता है जब वो अपनी सुप्रीमेसी किसी को दिखाना चाहता है। भाई वीटो पावर का ये मतलब होता है कि जैसे अगर आप कोई किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो आपने एक डिसीजन लेके बोल दिया कि जी ये नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं आता। पहली चीज़ तो वीटो पावर डेमोक्रेसी में नहीं आता, दूसरा अगर ये पहले हो गया होता तो आज इस स्थिति में ना होते और हमें मतलब ये इतने हॉट टॉपिक्स हॉट डिस्कशन ना होते इस चीज़ पे। जी क्या लगता है कि अगर उस समय 1955 की बाद आज चुनाव के समय क्यों? क्योंकि वॉर की जो स्थिति है या जो भी पुलवामा अटैक हुआ पहल वहां से हुई, तो वो एक कोइंसिडेंस है कि चुनाव इसी समय पड़ रहा है। भले ही इसका बेनिफिट लोग लें ना लें, भाई सारी चुनावी पार्टी हैं, कोई इसको अपने बेनिफिट में ले रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट दिखा रहा है, लेकिन ये तो एक कोइंसिडेंस है ना कि पुलवामा अटैक उसी समय हुआ जब आपका इलेक्शन सर पे थे। तो इलेक्शन के लिए मुझे नहीं लगता कोई अपने ही घर में अटैक करवाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि ये एक प्लान स्टेज प्लान था ताकि ये आगे जाके इलेक्शन में इफेक्ट करे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि एक अटैक हुआ था, उसका जवाब अगर दिया गया, उसका बेनिफिट अगर किसी को मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि इससे पहले भी कई एयर स्ट्राइक्स हुई, कभी कुछ इतना प्रोपोगेंडा नहीं हुआ, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो अब एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, हमला हो रहा है, ये पहले भी होता रहा, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात तो सोशल प्लेटफॉर्म्स के आने से ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है, क्योंकि आज मुझे लगता है जैसे अभिनंदन जी का वापसी आना, वो मेरे हिसाब से सरकार से ज़्यादा पब्लिक के हाथ का ज़्यादा था, क्योंकि जो वीडियोज़ वायरल हुए उनके, वो लोगों तक जागरूकता पहुँची कि भाई हमारा एक सिपाही वहाँ पर है, अगर जनता ने प्रेशर बनाया तो सरकार ने वो काम किया। बस वहीं से इस बात को उठा करके ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद इतनी ज्यादा नाक पे दम कर रखा है कि अगर उस समय ये करार हो चुका होता अमेरिका और भारत की बातचीत पे 1955 की बात, अगर आज 2019 पे असर दिखा जाती तो आप कैसे अप्रिशिएट करते इसको? अब 1955 का जो था सिनेरियो वो तो खैर अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी पैदाइश ही 1990 की है, तो आप उससे 35 साल पुरानी बात पूछ रहे हो, आधे जीवन होता है, बट मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज होती, और 1955 से अगर ये चीज़ें चेंज होती, और जब से भारत ने 1955 में 7 ही साल हुए थे अंग्रेज़ों को गए हुए, तब से जो आज ग्रोथ होती देश की वो फिर एक उस स्टेप में होती जो डिसीजन पहले लिए गए होते, तो आज वो स्थिति बिल्कुल अलग होती, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा होल्ड अपना भी अच्छा होता, अपनी सुरक्षा परिषद में यूएन वाली थोड़ा बेटर होता। 1955 और 2019 यानी कि आपके अनुसार आधा जीवन, यानी कि आधा भारत कहीं देख तो नहीं रहा है भारत का युवा, लेकिन पूरे विषय को हम इस तरीके से देखेंगे कि अगर उस समय ये करार हो जाता व्यापारियों के अनुसार, अखबारों के अनुसार, हमारे अनुसार, आपके अनुसार, हर किसी के अनुसार, तो आज आतंकियों के ऊपर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की मोहर लगने से कोई नहीं रोक पाता। उस रोड स्थित कानपुर मिल स्टोर के एक और व्यापारी नेता हमारे साथ हैं जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की मोहर ना लगाने पे, अरुण जेटली जी जो बयान दिए हैं उस पे हमारे सामने हैं, साथ हैं, और अपनी बातचीत किस तरीके से रख रहे हैं हमारा प्रश्न है इनसे, आइए जानते हैं। किस तरीके से पूरे मसले को आप देख रहे हैं, जो जेटली जी ने कहा है कि हम अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की मुहर हाफिज सईद, अजहर मसूद जी के ऊपर नहीं लगा पा रहे हैं, अजहर मसूद के ऊपर, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये सत्य है या असत्य है या चुनावी माहौल है केवल? नहीं, ये तो सर सत्य है। 1955 में अगर ये सब हुआ होता, जवाहरलाल नेहरू ये चीन का पक्ष न लिए होते,
तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। चीन हमेशा उसको अड़ंगा लगाता है, जो भारत हमेशा जख्म सहता है, अभी पुलवामा का जख्म सा, हमेशा आतंकवाद होता रहता है, हमारे नागरिक मरते हैं, भारत अपना एक्शन लेता है तो उसके साथ उसके विपक्ष में ये चीन खड़ा हो जाता है, ये तो एक नाइंसाफी है। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल हो जाता तो सर 100% आज भारत एक अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत मजबूत होता, अपने लिए करने की क्षमता होती, आज भारत की जो स्थिति होती और बेहतर होती जी। ये लेकिन, तो लेकिन हमारे नागरिक मर गए, तो आतंकवाद की तो अपनी सुरक्षा के लिए तो भारत सरकार कदम उठाएगी, और उसमें एक्शन का तो कोई लेना देना मेरे हिसाब से है नहीं। और ये मोदी की ही विशेषता है कि उसी का पावर है, जो आज जनता भी उसी के साथ है, पूरा देश उसके साथ है। कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी के साथ मैं राहुल मिश्रा, कैमरा पर जेएमडी न्यूज कानपुर। वीरों की धरती बुंदेलखंड की आवाज कुलदीप अवस्थी के साथ हर रोज देखिए रात 8:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर।